आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि, कहा कल्याण सिंह का निधन समाज और पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति। पूरे जिले में रविवार को पूरे उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन। बहनों ने भाइयों के कलाई में राखी बांध कर की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह का नाथपंथ के विश्व प्रसिद्ध गोरक्षपीठ से रहा है गहरा नाता। महंत अवैधनाथ से था विशेष लगाव, स्मृति ही रह गई शेष। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर जिला जेल में बहनों ने बांधा अपने बंदी भाइयों के कलाई पर राखी, लंबी उम्र के साथ जल्द रिहाई की कामना। सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। विरासत वृक्षों को संरक्षित करने के उद्देश्य से वन विभाग ने शुरू किया साप्ताहिक मुहिम। जनपद के 19 वृक्षों को बांधा गया रक्षा सूत्र। DFO ने कहा रक्षा सूत्र बांध कर किया जाएगा वृक्षों को संरक्षित। गोरखपुर में रविवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,389। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मोहद्दीपुर स्थित स्वीपर कॉलोनी की महिलाओं ने नगर आयुक्त सहित टीम के सभी सदस्यों को बांधी राखी। नगर आयुक्त ने सभी महिलाओं को दिया सुभाशीष। रक्षाबंधन पर्व पर शहीद अशफाक खुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र चिड़ियाघर में नागरिकों की उमड़ी भीड़। जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर जमकर उठाया लुफ्त। और रक्षाबंधन पर्व पर नौकायन पर पर्यटकों की उमड़ी भीड़। लोगों ने मोटर बोट पर बैठकर रामगढ़ झील का उठाया लुफ्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति जताया आभार।